नमस्कार, वीकेबी न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। शारजाह से नागपुर शहर पहुंचे सभी यात्री निगेटिव, 104 यात्रियों की कराई गई थी आरटीपीसीआर टेस्ट। नागपुर मेडिकल में भर्ती आरोपी हुआ फरार, 8 घंटे के बाद मिला आरोपी, कैंसर के इलाज के लिए भर्ती हुआ था आरोपी। और 13वां जिला स्तरीय साहित्य सम्मेलन का बुल्ढाना में हुआ आयोजन, वरिष्ठ पत्रकार यदु जोशी के द्वारा किया गया उद्घाटन। और अब खबरें विस्तार से। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर लॉकडाउन से बंद एयर अरेबिया की G9416 शारजाह नागपुर फ्लाइट का आगमन सुबह हुआ, जिसमें 104 यात्री पहुंचे। एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाने के बाद उन्हें 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन भेजा गया, जबकि राहत की बात यह है कि सभी यात्रियों की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। नागपुर शहर में रविवार को तब एक टेंशन बढ़ गया जब शारजाह से नागपुर एक विमान पहुंचा, जिसमें 104 यात्री सवार थे। प्रशासन में तुरंत मुस्तैद बताते हुए सभी यात्रियों के आरटीपीसीआर टेस्ट करवाए, जो सभी के निगेटिव आए। सभी यात्री होम क्वारंटाइन में भेजे गए। इन यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की टीम नजर भी रखेगी। करीब 2.5 साल बाद रविवार को पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नागपुर पहुंची। इसमें 95 वयस्क, 5 शिशु और 4 केबिन क्रू मिलाकर 104 लोग थे। सभी यात्री शारजाह से भी टेस्ट करवा कर पहुंचे थे, लेकिन 6 घंटे में जांच के नियम के तहत नागपुर एयरपोर्ट पर भी सभी यात्रियों की जांच कराई गई। मुसाफिरों को 3 घंटे रिपोर्ट आने तक एयरपोर्ट में रुकना पड़ा, इसके बाद ही वे बाहर निकल पाए। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बनी आशंकाओं के बीच एयरपोर्ट में इन यात्रियों की आमद के बाद कोई तनाव की स्थिति नहीं देखी गई। बाद में फ्लाइट G9415 नागपुर शारजाह 95 यात्रियों को लेकर गई, इनमें 3 शिशु शामिल रहे। नागपुर के मेडिकल अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए भर्ती हुआ हत्या का आरोपी कैदी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। जी हां, इसकी खबर लगते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। 8 घंटे की खोजबीन के बाद फरार हुआ एक कैदी रेलवे स्टेशन के कॉटन मार्केट गेट के पास पुलिस के हाथ लगा। आरोपी सक्करदरा ताजबाग निवासी सोनू उर्फ सोहेल उर्फ शोएब खान अब्बू खान बताया जा रहा है। पिछले साल कोविड संक्रमण के बीच आरोपी सोनू उर्फ शोएब ने धंतोली थाने के तहत एक की हत्या की थी। उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने जांच के बाद नागपुर सेंट्रल जेल में डाल दिया था। 31 जुलाई 2020 से शोएब कारागृह में बंद था। उसे कैंसर होने से उपचार के लिए मेडिकल के वार्ड नंबर 19 में भर्ती किया गया था। रविवार की सुबह 6:30 बजे टॉयलेट के लिए काफी भीड़ होने से शोएब मौका देखकर मेडिकल से फरार हो गया। उसके फरार होने की भनक लगते ही पुलिस में खलबली मच गई। घटना की सूचना सभी पुलिस स्टेशन और अपराध विभाग को दी गई। भागने के बाद शोएब रेलवे स्टेशन के पूरे गेट पर कॉटन मार्केट परिसर में भटक रहा था। दोपहर 3 बजे पुलिस को कुछ भिखारियों के पास शोएब दुबक कर बैठा दिखाई दिया। पुलिस सेल ने आरोपी को पकड़ कर वरिष्ठ के सामने उपस्थित किया। उसके खिलाफ अजनी पुलिस में मामला दर्ज किया है। एसटी कर्मचारी पिछले 1 महीने से हड़ताल पर है, जिसकी वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे एसटी को भी करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है। एसटी कर्मचारियों की ज्यादातर मांगों को एसटी प्रशासन ने पूरा कर दिया है, लेकिन कर्मचारी अभी भी हड़ताल खत्म करने को तैयार नहीं है। प्रशासन की हर संभव कोशिश के बाद आखिरकार एसटी महामंडल ने 32 कर्मचारियों के तबादले कर दिए है। ज्ञात हो कि हड़ताल की वजह से एसटी और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों को यात्रियों का भी ध्यान नहीं है। कर्मचारियों को तुरंत काम पर लौटना चाहिए। नीलेश बेलसरेन मंडल नियंत्रक नागपुर मंडल एसटी प्रबंधन के बार बार बोलने के बाद भी कर्मचारी काम पर लौटने को तैयार नहीं है, जिसे देखते हुए एसटी प्रशासन ने विभिन्न डिपो के 32 कर्मचारियों का तबादला कर दिया है। हड़ताल की वजह से सबसे ज्यादा यात्रियों को परेशानी हो रही है। यात्रियों को अधिक रुपए खर्च कर निजी वाहनों से यात्रा करनी पड़ रही है। नागपुर संभाग में 432 कर्मचारियों को निलंबित और 90 संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है, लेकिन कर्मचारी अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर कर्मचारियों की हड़ताल वापस नहीं ली तो एसटी प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
नागपुर वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर योजना बनाकर गोंदिया के सालकेसा में तेंदुए की खाल व अन्य अंगों की बिक्री करने वाले 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तेंदुए की खाल, दांत, चार पंजे, मूंछ और 3 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। आरोपियों में राधेश्याम उइके, जोगेश्वर दसेरिया, पप्पू मडावी, दिनेश श्रीवास्तव, संदीप रामटेके, दिनेश सहारे, विनोद दशरिया, लितेश कुंभरे, परसराम मेश्राम, रामकृष्ण डहाले इनका समावेश है। मिली जानकारी के मुताबिक सलेकिया गोंदिया कनिष्ठ महाविद्यालय के मैदान के पास कुछ तस्करों द्वारा तेंदुए की खाल बिक्री किए जाने की खबर मिली थी। नागपुर टीम ने गोंदिया वन विभाग के अधिकारियों की मदद से योजना बनाकर आरोपियों को घेर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने जंगल में तेंदुए का शिकार किए जाने की बात कबूली दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 डिग्री 3 जॉब अपॉर्चुनिटीज। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटक बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राज्य में ओमिक्रॉन के मरीज मिलने से भय का माहौल है। इसमें राहत भरी बात यह है कि नागपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की दैनिक संख्या अब भी 10 से कम है। रविवार को 9 नए मरीज मिले, जबकि पिछले 23 दिनों से मृत्यु संख्या स्थिर बनी हुई है। हालांकि कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। वर्तमान में शहर व ग्रामीण में 59 मरीज इलाज करवा रहे हैं। रविवार को शारजाह से आए सभी यात्रियों की RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव आई है। उनकी तबीयत पर मनपा का स्वास्थ्य विभाग नजर रख रहा है। फिलहाल उनमें कोई लक्षण नहीं देखने की बात डॉक्टर कह रहे हैं। जांच की बात करें तो गत 24 घंटों में जिले में 3,590 जांच की गई। इनमें शहर में हुई 2,955 जांच में 9 मरीज पॉजिटिव आए। ग्रामीण में हुई 635 जांच में कोई मरीज नहीं मिला। वर्तमान में शहर में 46, ग्रामीण में 11 और जिले के बाहर के 2 सहित 59 मरीज सक्रिय है। बुलढाणा जिले में 13वें जिला स्तरीय एक दिवसीय साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन लोकमत के वरिष्ठ सहायक संपादक यदु जोशी द्वारा किया गया। इस दौरान यदु जोशी को जिला साहित्य संघ द्वारा बुलढाणा भूमिपुत्र कृतज्ञता पुरस्कार से नवाजा गया। 13वें बुलढाणा जिला साहित्य सम्मेलन निमित्त सर्व बुलढाण्याच्या रसिकांचं मी स्वागत करतो। या कोरोनाच्या महामारीनंतर जी अवकळा पसरली होती आणि अनेक साहित्यिक या आपल्याला सोडून गेले आणि एक निराशा नष्ट व्हावी त्या दृष्टिकोनातून जिल्ह्यातून जी मंडळी ही अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला जाऊ शकत नाही त्यांना आपण इथं या एक विचारपीठ व्यासपीठ निर्माण करून द्यावं ही माझ्या या साहित्य संमेलनामागची भूमिका आहे। आणि आज हे साहित्य संमेलन चांगल्या रीतीने पार पाडत आहे। एक चांगले अध्यक्ष आपल्याला रवींद्र इंगळे चावरीकर मिळाले आहेत। उद्घाटक म्हणून यदुनाथ जोशी पत्रकार जो आहे त्यांना आपण बुलढाणा जिल्ह्याच्या साहित्य संघाकडून कृतज्ञता साहित्य पुरस्कार आपण त्यांना दिलेला आहे। या निमित्त सर्व जी मंडळी आहे बुलढाणेकरांनी त्यांचं खूप चांगल्या प्रमाणे स्वागत केलेलं आहे। हे सर्व साहित्यिक मंडळींची ही मेजवानी दिवसभर चालणार आहे। त्या या मेजवानीमध्ये बुलढाणा जिल्ह्याचे साहित्य पुरस्कार, त्याचप्रमाणे परिसंवाद, त्यानंतर मुलाखत इंगळे सरांच्या त्या संशोधनावरती, अशा पद्धतीनं हा कार्यक्रम दिवसभर चालणार आहे। एक नाटक आहे, समारोप आहे आणि दिवसभर चालणार आहे। या कार्यक्रमात आपण सर्वांनी इथं उपस्थित राहिलं त्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो।
महाराष्ट्र के सभी पूर्व सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना जल्द लागू करे, इस मांग के लिए मुंबई के आजाद मैदान से पेंशन संघर्ष यात्रा शुरू की गई है, जो रविवार को अमरावती जिले में पहुंची। नमस्कार, मी वितेश खांडेकर, जुनी पेंशन संघर्ष समन्वय समितीचा समन्वयक आहे। ही यात्रा 22 नोव्हेंबरपासून मुंबईच्या ऐतिहासिक आझाद मैदानावरून सुरू झाली आणि महाराष्ट्रातले 25 जिल्हे करत आज अमरावतीमध्ये आली आहे। अमरावतीतल्या सर्व कॅडरच्या संघटना, मग तिथं तलाठी असेल, अधिकारी असतील, पटवारी असतील किंवा चतुर्थ श्रेणी असतील, शिक्षक असतील, प्राध्यापक, असे सर्व संघटना, अशा 100 संघटना आज समन्वय समितीमध्ये आहेत आणि या सगळ्यांची एकच मागणी आहे, जुनी पेन्शन योजना लागू करा। तुमच्या माध्यमातून आज आम्ही सरकारला सांगू इच्छितो की आता महाराष्ट्रातला कर्मचारी एक झालेला आहे, एकत्रित आलेला आहे, त्याला आता त्याच्या हक्काची जुनी पेन्शन पाहिजे। जर येणाऱ्या काळामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू झाली नाही तर होणाऱ्या अधिवेशनामध्ये 5 मार्च कल्याणपासून काढण्याचं नियोजन आहे आणि त्यानंतरही सरकारने जुन्या पेन्शनची मागणी मान्य केली नाही तर संपूर्ण तिथनंच ठिय्या आंदोलन करून पूर्ण महाराष्ट्रातले कर्मचारी आपले कार्यालय बंद करण्याची तयारी सर्वांची झाली आहे। या समन्वय समितीच्या माध्यमातून ही जी पेन्शन संघर्ष यात्रा अमरावतीत आलेली आहे, तुफान गर्दी अमरावतीमध्ये आहे आणि इथून संकेत जावे तुमच्या माध्यमातून, अशीच आमच्या सर्वांची अपेक्षा आहे। सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।